इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन की शुरुआत 26 मार्च से चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले से होनी है, लेकिन इससे ठीक पहले दुनिया के महानतम कप्तानों में से एक और सालों से चेन्नई सुपर किंग्स के पालनहार बने रहने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से सभी को चौंकाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर आईपीएल से दो दिन पहले धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी क्यों छोड़ी और इसके पीछे क्या बड़ी वजह है। दुनिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने ही स्टाइल में एक बार फिर से अपने सभी प्रशंसकों को चौंका दिया है। जी हां, आईपीएल से ठीक दो दिन पहले उन्होंने चेन्नई की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और उनकी जगह इस फ्रेंचाइजी ने काफी सालों से इस टीम का हिस्सा रहे रविंद्र जडेजा को टीम की कमान सौंपी है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि दुनिया का यह महान फिनिशर अभी भी हमें पीली जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि धोनी ने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं इस बात पर चर्चा आज से नहीं बल्कि दो साल से ही चल रही है। जब 2021 में महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया था, उस वक्त सभी को ऐसा लग रहा था कि यह धोनी का लास्ट आईपीएल हो सकता है, लेकिन इस महान कप्तान ने अपने फैंस को निराश ना करते हुए कप्तानी पर पिछले कुछ समय से कोई फैसला नहीं लिया था। लेकिन जब चेन्नई ने रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया, उसी वक्त लगभग यह तस्वीर साफ हो गई थी कि चेन्नई का अगला कप्तान यही ऑलराउंडर स्टार होने वाला है। और वहीं दूसरी वजह धोनी की एज है। जी हां, यह महान खिलाड़ी अब 40 के पार होने वाला है और इस एज में ऑलराउंड प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। और हम ऑलराउंडर प्रदर्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धोनी बल्लेबाजी कप्तानी के साथ साथ विकेट कीपिंग की भूमिका भी अदा करते हैं और शायद उनके कप्तानी से हटने की सबसे बड़ी वजह वही उनकी एज है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के अंदर चेन्नई ने साल 2010, 2011, 2018 और 2021 में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। और यही नहीं, इस महान कप्तान ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। साल 2022 का आईपीएल इस महान खिलाड़ी का आखिरी आईपीएल साबित होने वाला है। और दोस्तों, इस बीच मैदान पर धोनी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन कप्तान बनाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रविंद्र जडेजा की कप्तानी में भी चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी जितना ही सफल हो पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।